हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका महाना प्रताप क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय में टीचर के पदों पर 14,500 वैकेंसी निकली है। केंद्रीय विद्यालय में विभिन्न पदों पर दोस्तों आपको भर्ती देखने को मिली है। और इस वीडियो के अंतर्गत अपने क्या है कि जानेंगे कि आपके लिए इसमें उम्र का क्या क्राइटेरिया है, शुल्क कितना पे करना पड़ेगा, सरकारी नौकरी है या सरकार की तरह विद्या संबल योजना की तरह है, और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिएंगे, और तारीख लास्ट और स्टार्ट कब से है, और आपका इसमें इंटरव्यू वगैरह जो है फॉर्म है वो ऑफलाइन है ऑनलाइन है, सारी चीज़ें अपने इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखना, तभी सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और चैनल पर दोस्तों नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने का ये फ़ायदा है कि कई बार लास्ट डेट नज़दीक होती है तो आप फॉर्म भरने से वंचित रह जाते हैं, और चैनल सब्सक्राइब हो तो नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाता है और आप उस फॉर्म वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हो। तो अलग अलग ज़िलों में इन्होंने अलग अलग वैकेंसी दी है, नोटिफिकेशन अलग अलग हैं, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय हर एक ज़िले में तहसील स्तर पर बने हुए हैं। तो केंद्रीय विद्यालय में टीचर के पदों पर 14,500 बंपर वैकेंसी है। केंद्रीय विद्यालय संगठन में TGT, PGT, शिक्षक सहित विभिन्न पदों पर नवीनतम वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन दोस्तों जारी कर दिया गया है। यह भर्ती का नोटिफिकेशन दोस्तों अलग अलग ज़िले की अलग अलग आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से जारी किया गया है, यानी कि आपको इसके लिए अलग अलग ज़िले में अगर आप किसी ज़िले से हो उसके लिए अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। सॉरी दोस्तों, और क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या इसमें इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है, तो सारी चीज़ें अपने इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। फिर भी आप फॉर्म भरने से पहले या फॉर्म सबमिट करवाने से पहले दोस्तों आप इसकी PDF जो है वो ज़रूर डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसमें एलिजिबल हो तभी आप फॉर्म भरिएगा, वरना मेरे कहने पर या किसी वेबसाइट के कहने पर कहना मान के कभी फॉर्म मत भरिएगा, नोटिफिकेशन अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। तो जारी किए नोटिफिकेशन के अनुसार TGT, PGT, शिक्षक सहित विभिन्न पदों पर दोस्तों आपका रिक्त पदों को भरा जाएगा। इस तहत 14,500 से अधिक पदों को रिक्त भरा जाएगा, जिसमें नोटिफिकेशन अलग अलग ज़िले वाइज अलग अलग जारी किया गया है। इसके अलावा भर्ती पर विस्तृत जानकारी पोस्ट में दोस्तों आगे आपको बताई जा रही है, उपलब्ध करवाई गई संपूर्ण जानकारी चेक करने के बाद ही दोस्तों आपको आवेदन फॉर्म भरना है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि किसी भी वेबसाइट या चैनल पर विश्वास नहीं करना है, आपको उसका नोटिफिकेशन पढ़ना है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से PDF आप डाउनलोड कर लेना और पूरा PDF अच्छी तरह से पढ़ने के बाद ही आप फॉर्म अप्लाई करिएगा, ना किसी के कहने पर मान कर या किसी बहकावे में आकर आपको फॉर्म नहीं भरना है। क्या इंटरव्यू रहेगा और इसमें क्या क्या चीज़ें क्राइटेरिया रहेंगी, तो वो वीडियो में आगे तक आप देखते रहिए, हम बताएंगे। तो आवेदन फॉर्म की महत्वपूर्ण तिथियों की दोस्तों बात करें तो KVS, TGT, PGT शिक्षक सहित जो विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन ऑनलाइन फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से जो मांगे गए हैं दोस्तों, शायद ऑफलाइन हैं इसमें फॉर्म, इस भर्ती, क्योंकि ये विद्या संबल योजना जैसी ही भर्ती है दोस्तों, तो इस भर्ती का आवेदन फॉर्म अभ्यर्थी को साक्षात्कार में शामिल होने के साथ लेकर जाना होगा, यानी कि आपका इंटरव्यू जब होएगा उसमें फॉर्म भर के आपको लेके जाना होगा। तो साक्षात्कार का जो आयोजन है, यानी कि आपके इंटरव्यू कब कब होंगे, तो अलग अलग ज़िलों में अलग अलग करवाया जाएगा, ना कि पूरे राजस्थान में या कहीं और एक जैसा नहीं है। तो अलग अलग ज़िलों का अलग अलग उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाके सारी चीज़ें हैं वो चेक कर लेना, वो किस तारीख को कौन से ज़िले में किस तारीख को इंटरव्यू है, और आपको फॉर्म वहाँ भर के लेके जाना है, उसके बाद वहाँ आपका इंटरव्यू होएगा। आवेदन फॉर्म भरने की महत्वपूर्ण तिथियों की बात करें तो दोस्तों, मानसरोवर अगर आप जयपुर से हो तो 3 से 6 मार्च 2024 की डेट रखी गई है, यानी कि मानसरोवर जयपुर में 3 तारीख से लेकर 6 तारीख के मध्य आपके इंटरव्यू होंगे। उसमें आपको फॉर्म यहां से डाउनलोड कर लेना, जहां से मैं लिंक प्रोवाइड करवाऊँगा, और वो फॉर्म आपको भर के लेके जाना, डॉक्यूमेंट्स उसमें बताए जाएंगे कौन कौन से आपको साथ लेके जाना है। प्रतापगढ़ ज़िले की बात करें तो दोस्तों, उसमें 4 तारीख को है, 4 मार्च 2024 को, यानी कि आज रखा हुआ था। करौली में 4 मार्च 2024 में, सूरतगढ़ में 4 मार्च को दोस्तों, हनुमानगढ़ में 4 से 5, यानी कि हनुमानगढ़ ज़िले वाले हैं तो वो दोस्तों कल आपका इंटरव्यू है, आप फॉर्म भर के जा सकते हो। बीकानेर वाले 4 से 5 और अलवर से
5 से 6 तारीख को इंटरव्यू है दोस्तों, बाकियों की तारीख निकल चुकी है, लेकिन ये जो फॉर्म है वो आप भर सकते हो। दस्तावेजों को संलग्न करके आप निर्धारित समय सीमा पर पहुंचकर साक्षात्कार में शामिल हो सकते हो, इसलिए यह पात्र पूर्ण रूप से आवेदन फॉर्म भरकर साक्षात्कार साल में शामिल हो सकते हो। आवेदन फॉर्म भरने की आयु सीमा की दोस्तों बात करें तो केंद्रीय विद्यालय TGT PGT शिक्षक भर्ती सहित विभिन्न पदों के आवेदनकर्ता के लिए न्यूनतम आयु जो कि 18 वर्ष रखी गई है। अधिकतम आयु दोस्तों इसमें कोई प्रावधान नहीं है, आप कितनी भी उम्र के हो आप इसमें जा सकते हो। सरकारी नियमानुसार जो छूट होती है दोस्तों वो आपको बिल्कुल दी जाएगी। और आयु सीमा को प्रमाणित करने वाले उचित दस्तावेज यानी कि 10वीं की मार्कशीट या आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, वो आप सेल्फ अटेस्टेड सारे डॉक्यूमेंट्स दोस्तों आपको सेल्फ अटेस्टेड करके जब आप वहाँ लेके जाओगे तो आप उसमें कर सकते हो। यानी कि हनुमानगढ़ वाले और बीकानेर वालों को दोस्तों आपके पास मौका है, बाकी की दोस्तों तारीख निकल चुकी है, नोटिफिकेशन मेरे पास लेट पहुँचा है। तो अगर आप बीकानेर या हनुमानगढ़ से बिलोंग करते हो वहाँ जाके आप अपना इंटरव्यू दे सकते हो, या किसी नज़दीक डिस्ट्रिक्ट से हो तो वहाँ भी आप जाके इंटरव्यू दो तो आपको एक्सेप्ट किया जाएगा। ये कोई मने नहीं है कि किसी और ज़िले का बंदा आके यहाँ नहीं दे सकता, अलवर ज़िले के भी भरते फार्म भर सकता है। आवेदन फार्म भरने के लिए आवेदन शुल्क की बात करें तो दोस्तों KVS में जो वैकेंसी निकली है TGT PGT शिक्षक भर्ती विभिन्न पदों की भर्ती के आवेदनकर्ता के लिए आवेदन फार्म है जो निःशुल्क है, इसमें आपका कोई भी किसी तरह का कोई दोस्तों चार्ज नहीं है। इस भर्ती का आवेदन फार्म भरते समय भर्ती को किसी तरह के आवेदन शुल्क भुगतान करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपको इसमें कोई भी शुल्क पे नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ आपने PDF डाउनलोड करनी है और उसमें लास्ट में फॉर्म दिया होगा, वो उसको सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आपको किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं करना होगा। और जैसे ही आपका इंटरव्यू हो जाएगा, अगर आप इंटरव्यू में पास हो जाते हो दोस्तों आपको शिक्षक भर्ती के लिए उसमें सिलेक्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि इस भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म पूर्ण रूप से निःशुल्क तरीके से मांगे गए हैं, किसी प्रकार का इसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। और आप इंटरव्यू के आधार पर आप सिलेक्ट हो सकते हो, वैधता कितनी रहेगी वो उसमें आपके सारे नोटिफिकेशन में दोस्तों बताया हुआ है, उसमें जो भी मांगा गया है। अब अपने बात कर लेते हैं कि इसमें आवेदन फार्म की शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो दोस्तों केंद्रीय विद्यालय में जो शिक्षक की भर्ती के आवेदन मांगे गए हैं उनकी शैक्षणिक योग्यता दोस्तों अलग अलग है। इसमें पोस्ट वाइज योग्यता के बारे में आपको विस्तृत नोटिफिकेशन पढ़ना है दोस्तों, और आधिकारिक नोटिफिकेशन के PDF फाइल में लिंक जो मैं आगे प्रोवाइड करवा दूँगा दोस्तों उसमें आपको चेक करना है। और आपको इसका आवेदन किस प्रकार से करना है तो इस प्रकार से है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो विभिन्न पदों की भर्ती के लिए ऑफलाइन आवेदन दोस्तों मांगे गए हैं वो निम्न चरणों का पालन करना है। सर्वप्रथम आपने सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय की जो संगठन है जिस जिले की है दोस्तों, जैसे हनुमानगढ़, अलवर और बीकानेर की अभी तारीख पड़ी है, तो उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। उसके बाद अनाउंसमेंट में बटन पर दोस्तों क्लिक करना है, वहाँ भर्ती के नोटिफिकेशन PDF फाइल के माध्यम से दिया गया है उसे डाउनलोड कर लें। नोटिफिकेशन में दी गई संपूर्ण जानकारी दोस्तों आपको बकायदा पढ़नी है। संपूर्ण जानकारी चेक करने के बाद नोटिफिकेशन में दिए गए आवेदन फार्म का एक प्रिंटआउट निकलवा लेना है, और मांगी गई संपूर्ण जानकारी आवश्यक दस्तावेजों के साथ फ़ोटो सिग्नेचर फॉर्म का प्रिंटआउट निकाल के आवेदन पर मांगी गई दस्तावेज फ़ोटो सिग्नेचर सहित अटैच करनी है, यानी कि आपको सेल्फ अटेस्टेड कर लेने हैं दोस्तों। और आवेदन पूर्ण रूप से भर लेने के बाद अभ्यर्थी साक्षात्कार में उपस्थित होते समय साथ लेकर जाएं, भविष्य में इसका एक प्रिंट निकलवा के रख लें ताकि आप कह सकते हो कि हमने फॉर्म भरा था और मैंने इंटरव्यू दिया था। तो ये सारी चीज़ें आपने स्टेप बाय स्टेप दोस्तों कर लेनी है, और ऐसा करने के बाद आपने फॉर्म है जो वहाँ इंटरव्यू जो मैंने बताया है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग लोकेशन दिया होगा दोस्तों, आपको वहाँ लेकर जाना है और डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड जरूर कर लेने ताकि आपको इसमें कोई किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और फॉर्म भरने के बाद आप इंटरव्यू में उसकी एक फ़ोटोकॉपी जैसे फ़ोटो चिपकाली सिग्नेचर सब कुछ कर लिए उसके बाद आपने दोस्तों उस पर उसकी एक फ़ोटोकॉपी निकलवा लेनी ताकि कल को आप अपने पास प्रूफ रख सके या फ़ोटो कैप्चर कर लेनी है फ़ोन में भी मैंने फॉर्म आपके पास ये सबमिट करवाया था और मैंने इंटरव्यू भी दिया था, वो आपके भविष्य में काम आएगा। और इस प्रकार से आप आवेदन इसका फॉर्म भर सकते हो, लिंक मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा, और उसके माध्यम से आप अलग 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 ज़िले में जो जो डेट दी हुई है उसके हिसाब से आप उसमें जा सकते हो। तो ये थी आज के लिए दोस्तों जानकारी जो कि केंद्रीय विद्यालय में
14,500 पदों पर योग्यता इसकी 10वीं और 12वीं पास बिना परीक्षा चयन जो रखा गया था। और अलग अलग वैकेंसी हैं दोस्तों, उसमें से जो अपने कह सकते हैं कि कुछ छोटी वैकेंसियाँ हैं जो 10वीं और 12वीं पास भी है। तो इस प्रकार से है जो नोटिफिकेशन था। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट जरूर कर देना। आज के लिए बस इतना ही, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।